अरे बेटा लगता है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है। खराब हो गया? हाँ बेटा। ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा? नहीं फल तो नहीं, ठीक से यूज नहीं किया होगा। ठीक से यूज किया था बेटा, साथ में चलते हैं। क्या होगा? बैठिए। हाँ संभाल के चलाना बेटा। देखो इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा। एंटर कीजिए। 4648। रंगस्वामी कौन है? अपने बाप को नहीं जानता। तो बताइए क्या करना है? अमाउंट डालना है बेटा। कितना? 5000। एंटर कीजिए। 5, 50, 500, 5000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही बोलती है मैडम बार बार। जरा कार्ड देना, हटो। चार छह चार आठ। अरे उस वक्त ऐसी एक पर्ची निकली, कहा ना कार्ड में खराबी है, इसे बदलवा देते हैं। चेक करके देना चाहिए था, हक करते हैं लोग। देखो बेटा बैंक में जाकर पूछते हैं। हाँ चलो, बकवास मशीन है, 3 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। सर बोलिए। सर ये मेरे पापा है, इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए मिसिंग है। सर ये क्या बात कर रहा है बेटा, कार्ड खराब है, ये कैसे हो सकता है? पैसे गायब हो गए? अकाउंट से निकालने के बाद किसी ने आपसे पैसे छीने क्या? नहीं नहीं सर, पैसे डायरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं? अपना अकाउंट नंबर देना। 8747298472। एक मिनट, स्टेटमेंट चेक करने दो। इन्होंने कहीं पर खर्च किए हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। सर इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें से एक भी हमने नहीं किया है। सर पैसे निकाले गए हैं सर, आप ही के अकाउंट से। सर आई एम वेरी श्योर सर, इतने सारे ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल है सर। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और किसने किए होंगे? सर मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर, 4648 ये दबाना है, बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक FIR कॉपी मुझे दीजिए, हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा मैंने एक पैसा नहीं निकाला, वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब यहाँ पर एक स्टॉल था ना, वो आदमी कहाँ चला गया? उसने एक महीना पहले स्टॉल लगाया था, पर 2 दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस में कंप्लेन करो जाकर। पापा अब जरा शांत हो जाइए, बस पकड़ के घर चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। बोलो। सुना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार, मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज? कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123। हाँ 0123482121। ओके। ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर देना। ठीक है मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए 1 दबाएं। ये ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर, हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। अभिमन्यु मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा ACP हैं, उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था, एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है, जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पास आ गए। ठीक है
कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तूर सर। अम्बत्तूर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो सर। तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन चार चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो, कम से कम एक साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना। देखो तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई? एक ईमेल मिला, वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं 5 लाख का इनाम जीता हूँ। जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरनर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा, बस एयरपोर्ट पर 5,000 की कस्टम ड्यूटी भरो। उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। एक झटके में सारा पैसा चला गया, ना ही कोई इनाम मिला। पिछले 5 सालों से पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुँचाता था, पिछले 1 साल से जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा कि पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए। अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि बैंक में जाओ, और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है। सर तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? सर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके 3 लाख रुपए जमा किए थे मैंने। फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, किसी ने मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे लेकिन वहीं से चोरी हो गए। जितनी एटीएम सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है। एटीएम में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है। उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है तो गाली देके उसे भूल जाते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर, लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुपकर बैठे हैं, उन्हें नहीं पकड़ सकते। आप अपना काम करो सर। आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। On your mark, get set. This is the information. Advanced technology, digital country. Wow, sounds good. Cashless country, careless citizens. Bank loan application point 2. Bank आपसे call करके account details नहीं पूछ सकता। अगर किसी ने loan देने के लिए आपको call किया तो आप अपना अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, यहाँ तक कि ओटीपी, आधार कार्ड सब उसको खुशी खुशी सौंप देते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो आप हर एग्री पर टिक करते जाते हैं। आपका फोन तो स्मार्ट है पर आप स्टूपिड बन जाते हैं। हर मोबाइल में कैमरा है आपको यही लगता है, पर हैकर्स के लिए तीसरी आंख बन जाती है। बिना आपको पता लगे आपकी प्राइवेट लाइफ हैकर्स के लिए डेटा बन जाती है। बिग बॉस के शो की तरह न बच सकते हैं न छुप सकते हैं। आपका गूगल सर्च हिस्ट्री आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरह है। आप बड़े होशियारी से उसे डिलीट कर देते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, पर उनके यहाँ स्टोर हो जाता है। एक बात माननी होगी, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। वोट देते समय आत्मा की आवाज सुने, कोई फ्री ऑफर दे तो दिमाग का इस्तेमाल करें। जय हिंद।